नमस्कार दोस्तों, मार्केट अपडेट्स के नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और आज था एक्सपायरी का दिन और निफ्टी की जो एक्सपायरी आई है वो हमने जैसा सोचा था वैसा ही आई है। तो इस एक्सपायरी के दिन लेके आया हूँ आप सभी के लिए बहुत सारे अपडेट। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज के अपडेट। तो हर रोज की तरह जो पहला अपडेट ले लेते हैं यहाँ पे मार्केट की तरफ से, जहाँ पे आज का दिन एक्सपायरी का था और यहाँ पे मार्केट ने पहले तो काफी अच्छी स्टार्टिंग करी और यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग के बाद काफी शानदार रिकवरी आई। ऑलमोस्ट यहाँ पे 11,790 का हाई बना बट वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई क्योंकि 11,801 रेजिस्टेंस का लेवल था। तो प्रॉफिट बुकिंग के चलते यहाँ पे जो लो बना करीब 11,699 का लो बना था उसी के नियरेस्ट जाके यहाँ पे एक्सपायरी हुई है और करीब निफ्टी 23 पॉइंट गिर के यहाँ पे क्लोज हुआ। अगर यहाँ पे सेंसेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स भी करीब 50 पॉइंट गिर के यहाँ पे बंद हुआ है। अगर टॉप थ्री गेनर और लूजर की बात करें तो गेनर में रहा यस बैंक, दूसरे नंबर पर रहा भारती इंफ्राटेल, तीसरे नंबर पर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। वहीं अगर मैं लूजर की बात करूँ तो लूजर में ब्रिटानिया सबसे ज्यादा गिरा, उसके बाद टाटा मोटर, उसके बाद जी एंटरटेनमेंट। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे शॉपर स्टॉक्स की तरफ से, जहाँ पे नंबर का दिन था और यहाँ पे जो प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है करीब 45% का प्रॉफिट गिर गया है और 11 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। बट स्टॉक में कोई ज्यादा मेजर रिएक्शन नहीं था, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1% ऊपर ही बंद हुआ है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे मारुति सुजुकी की तरफ से, जहाँ पे आज सेल्स आंकड़ों का नंबर थे जो कि कल आए थे उस पर रिएक्शन था। ऑलमोस्ट स्टॉक सुबह सुबह 2% की गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुला था बट उसके बाद मार्केट के साथ मारुति के स्टॉक में भी रिकवरी आई और फाइनली यहाँ पे फ्लैट ही क्लोज हुआ है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है जेट एयरवेज की तरफ से, जहाँ पे जेट एयरवेज के लिए शायद सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। यहाँ पे स्टॉक करीब 18% गिर के यहाँ पे क्लोज हुआ है और यहाँ पे जो SBI ने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस मंगाए थे वहाँ पे अब नंबर्स जीरो आए हैं। वहाँ पे कोई भी बंदा जेट एयरवेज में फंडिंग करने को तैयार नहीं है, इवन जेट एयरवेज को खरीदने के लिए भी तैयार नहीं है। तो इसी के चलते यहाँ पे स्टॉक में करीब 18% की गिरावट देखी गई थी आज के दिन में। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे कैपेसिटिव इंफ्रा प्रोजेक्ट की तरफ से, जहाँ पे स्टॉक में करीब 2% का उछाल था और यहाँ पे इनको ऑर्डर मिल गया करीब 229 करोड़ का। तो इसी के चलते स्टॉक में 2% का उछाल था आज के दिन में। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से, जहाँ पे सेल्स आंकड़ों के दिन था और आज यहाँ पे सेल्स आंकड़े आए थे तो करीब सेल्स में 9% की गिरावट देखी गई है महिंद्रा एंड महिंद्रा की। तो इसी के चलते यहाँ पे स्टॉक में सुबह सुबह एक नेगेटिव ओपनिंग हुई थी बट उसके बाद स्टॉक में रिकवरी दिखा के ऑलमोस्ट 1% ऊपर जाके क्लोजिंग आई है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे बंधन बैंक की तरफ से, जहाँ पे बंधन बैंक के भी आज का नंबर का दिन था और नंबर काफी शानदार आए हैं। यहाँ पे करीब 67% का प्रॉफिट जंप किया है, ऑलमोस्ट 651 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट डिक्लेयर किया है बंधन बैंक ने। तो इसी के चलते स्टॉक ने करीब तेज रफ्तार दिखाई थी और ऑलमोस्ट 4.5% ऊपर जाके बंद हुआ है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे बजाज ऑटो की तरफ से, जहाँ पे नंबर्स का दिन था और यहाँ पे बजाज ऑटो की जो सेल्स आंकड़ों के नंबर आए हैं वो काफी इनलाइन ही आए थे। इसी के चलते स्टॉक में करीब 2% के उछाल के साथ कामकाज हो रहा था आज के दिन में। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे हीरो मोटो की तरफ से, जहाँ पे हीरो मोटो ने लॉन्च कर दी अपनी नई बाइक X+200 ऑफिशियली यहाँ पे और उसका जो प्राइस है वो है करीब 97,000 का। तो स्टॉक में करीब थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्शन देखा गया था और 1.5% ऊपर जाके बंद हुआ है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे TVS मोटर की तरफ से, जहाँ पे सेल्स आंकड़ों के नंबर था करीब 5% जंप हुई है इनके सेल्स आंकड़ों के नंबर में बट स्टॉक ने रिएक्शन दिया था अपने रिजल्ट पे और ऑलमोस्ट 7% की गैप डाउन ओपनिंग के बाद थोड़ी सी रिकवरी आके यहाँ पे 2% नीचे ही जाके बंद हुआ है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे डावर की तरफ से, जहाँ पे डावर के नंबर का दिन था और यहाँ पे नंबर बहुत ही ज्यादा वीक आए हैं। यहाँ पे जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफी ज्यादा घट गई है और करीब इन्होंने 1x लॉस को भी एडजस्टमेंट करने के बाद करीब 370 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। तो ये काफी एस्टिमेट से नीचे था, इसी के चक्कर में यहाँ पे स्टॉक की करीब 4% यहाँ पे धुलाई हो गई। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे ग्रीस कॉटन की तरफ से, जहाँ पे बायबैक के अप्रूवल हो गया है, करीब 240 करोड़ का यहाँ पे बायबैक अप्रूव्ड हुआ है। इसी के चलते स्टॉक में करीब 4% का उछाल देखा गया था आज के दिन में। तो फिलहाल दोस्तों आज के अपडेट इतने ही थे, आई होप ये अपडेट आपको पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।